Hello friends, welcome to my channel Easy Beezy. It's me Shudipta. Thanks for watching my channel and welcome to my channel. प्लीज दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, तो प्लीज 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 डू कमेंट्स ऑन माय चैनल, मतलब वीडियोस. मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है. सो प्लीज 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 कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज डू लाइक माय वीडियोस एंड चैनल ऑल्सो. यू हैव टू सब्सक्राइब. अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. उसके पास ठीक आपको एक बेल बटन नजर आएगा, उसको भी प्रेस कर देंगे तो जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा आपके लिए मैसेज चला जाएगा. सो दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना भी चाहते हैं मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे, तो प्लीज देयर इज लिंक्स ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज ज्वाइन एंड बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे. ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मूड में हूँ आज मैं. उसके लिए आपको दिख रहा है मेरा कुछ ज्यादा ही पिंक सा चिक. इतना पिंक भी नहीं है मेरा चीक, सॉरी. बी फ्रैंक, आप में से एक फ्रेंड ने बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट किया था. मैंने अपना एक मेकअप ट्यूटोरियल डाला हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, हाउ टू डू बेस मेकअप. उसमें मैंने बीबी क्रीम का यूज किया था, मैंने एक सेल्फ मेड चिक शैडो का यूज किया था. यस, उसको मैंने बोला था कि वो मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो में, तो मैंने वो नहीं डाला था तभी तक. बीबी क्रीम का डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, फाउंडेशन का भी डाल चुकी हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर का भी डाल चुकी हूँ एंड फेस पाउडर का भी डाल चुकी हूँ. अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल का जब पेज खुलेंगे उसमें सारे वीडियोज आपको मिलेंगे. तो वो गई साइड में, अभी आज का वीडियो दिखाते हैं. ये जो क्रीमी सा टेक्सचर आया है, ये कैसे आया है? बहुत सारा मैं चिक शेडो वाला वीडियोस देख चुकी हूँ कि कुछ कलर्स के साथ, या जैसे कलर बेस मैंने भी यूज किया है सेम, उस कलर के साथ आप कुछ वैसलीन या कुछ मिला लीजिए, हो जाएगा आपका चिक शेडो रेडी. वैसे ही अगर चिक शेडो हो जाता फ्रेंड्स, तो चिक शेडो और लिपस्टिक में तो कोई फर्क नहीं रहता. नहीं, चिक शैडो पाउडर फॉर्म में आता है जो हम मार्केट से यूजुअली परचेस करते हैं, और एक क्रीमी सा आता है. अभी वो न्यू लॉन्च हुआ है, लेकिन क्रीमी वाला जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, 500-600 से स्टार्ट होता है, वो भी एक सिंगल कलर के लिए. लेकिन मैंने जो रेसिपी से बनाया है, रेसिपी ही मैं बोलूंगी, जो मैंने बनाया है इसके लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको शायद 50-60 रुपीज पड़ जाए, ज्यादा कुछ नहीं पड़ेंगे. तो उसके अंदर अंदर आपका ये चिक शैडो रेडी हो जाएगा. ऊपर से ये कस्टम मेड है, आपको अगर कुछ दोनों कलर मिला के बनाना है वो भी बना सकते हैं, सिंगल कलर का बनाना है वो भी बना सकते हैं, वो आपका पसंद के कलर के हिसाब से बनाएंगे, आपके स्किन टोन के हिसाब से. तो मुझे ये मजेंडा बहुत पसंद लगता है, ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है. देख सकते हैं मैं लिप्स पे भी लगा चुकी हूँ मैं. तो मैंने मजेंडा कलर का बनाया हुआ है, आपको जो कलर पसंद आए आप पीच कलर का बना सकते हैं, ब्राउन कलर का. मैं ब्रोंजर भी डाल चुकी हूँ वीडियो बाय द वे. तो ब्रोंजर अलग होता है, वो एक शाइन देता है, शिमरी शेड देता है, लेकिन हर टाइम शिमरी शेड भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ये सॉफ्ट कलर भी अच्छा लगता है. तो ऐसे किसके बनाना है इसको, सो सॉरी फॉर माई हिंदी. तो इसे कैसे बनाना है उसको देखने के लिए आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ब्लश बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टील की कटोरी चाहिए. आप सोच रहे होंगे कैंडल क्यों जल रही है, किसी का बर्थडे है क्या? तो आज किसी का, मेरा तो बर्थडे नहीं है, आप में से अगर किसी का है तो मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे. सो हमें चाहिए एक लिपस्टिक, जो कलर आपको पसंद आए. मुझे ये क्या कहूँ, मुझे ये मजेंडा बहुत पसंद है एक्चुअली, तो मैं इस मजेंडा कलर के लिपस्टिक को इसमें ले रही हूँ. अब मुझे पहले, सबसे पहले मेरा काम होगा इसको इस कैंडल के ऊपर पकड़ के इसको पूरा मेल्ट करना. तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इस तरह से मैं इसको कैंडल के ऊपर पकड़ रही हूँ और इसका मेल्ट होने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा. सो फ्रेंड, यू कैन सी मेरा जो लिपस्टिक है वो पूरा मेल्ट हो चुका है. अभी मुझे इसमें क्या क्या डालना है वो आप लोग देख लीजिए. अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ पेट्रोलियम जेली, अबाउट 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, इतना बस. तो ये भी मैं डाल देती हूँ. पेट्रोलियम जेली अपने आप में बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर होता है, सबको पता है, स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे ब्लश को ये बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा, अपने आप में क्रीमी ब्लश बना रहेगा,
आप देख मतलब आप बनने के बाद आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें एलोवेरा जेल डालने जा रही हूँ थोड़ा सा बस। अगर आपके पास ये नहीं है और आप अगर आप इसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप आराम से इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरी ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है, तभी जाके ये बहुत अच्छा क्रीमी बना है। पेट्रोलियम जेली डाल के उसको क्रीमी नहीं बोल सकते, वो लिपस्टिक का ही एक फॉर्म बन जाता है लेकिन वो ब्लश नहीं बनता। तो उसको ब्लश थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा मैं बस कॉर्नफ्लावर मिक्स करने जा रही हूँ। अभी मेरा जो चीज़ें डालना था मैं वो डाल चुकी हूँ, अब मुझे इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये मिक्स होने के बाद बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर देगा। मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं इसको मिक्स करके आप किसी मैं तो ऐसा ही एक फ्लैटन कोई कंटेनर में डालने वाली हूँ, आपको जैसा पसंद है वैसा डाल सकते हैं आप इसको। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो दोस्तों मैंने अपने ये ब्लश इसमें डाल लिया है, मैंने आपके सामने बिल्कुल बना के दिखाया है, इसका पिगमेंट कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। तो आपको मेरा ये क्रीमी ब्लश कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको पहले दिखाया था और आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था इसे दिखाने के लिए, सो मैं आज ये दिखा रही हूँ। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा। टिप्स डे। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा आज का भी वीडियो। ये चीक शेडो बिल्कुल नेचुरल है, जैसे मैंने लिपस्टिक के साथ क्या क्या मिला है आपने देखा है ऑलरेडी। तो पेट्रोलियम जेली भी ज़रूरी है, लेकिन नॉट ओनली पेट्रोलियम जेली, हाँ ये दोनों मिलाया है। तो जो जो मैंने दिखाया जैसे जैसे अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपको ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर वाला मिलेगा। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ, बाय द वे आपको हाथ में ले लिया है मैंने, आप देख सकते कितना वाइसली ये मिक्सअप हो रहा है, मतलब जितना जरूरत है उतना। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल मैटिफाइड है, इसमें कुछ ऐसा ऑयलीनेस नहीं है, कुछ नहीं है। यू कैन सी आपको थोड़ा चाहिए आप थोड़ा लगाइए, ज्यादा चाहिए ज्यादा लगाइए, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। और ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया, इतना अच्छे से स्किन में ग्लाइड ऑन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं करता है। तो ये बहुत दिनों का एक पुराना रिक्वेस्ट था, सॉरी फ्रेंड मुझे थोड़ा देरी हो गया इसको अपलोड करते करते, मैं इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है इसीलिए सॉरी फॉर दैट। और इसको रिक्वेस्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। इसको मैं अभी आज तो मैंने डाल ही दिया, सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा शायद। आप इसको बनाइए, यूज़ कीजिए और प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट वाज, मतलब बनाने के बाद कैसा बना। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको ये कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और आप लोगों का जो कमेंट्स है प्लीज़ शेयर करना प्लीज़। और एक बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद मेरी आज का जो रेस मतलब जो जो इंग्रेडिएंट मैंने डाला है वो अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे से भी अच्छा शायद बन जाए आपसे नहीं। तो और एक बात दोस्तों, अगर मैंने शायद ये तीन चार चीज यूज करके इसको ऐसे बनाया है, आप शायद इसके जगह कुछ और मिला के आपका इससे भी बेटर रिजल्ट मिलता है, तो प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी अपने आप को सुधार लूंगी क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है या फिर मैं भी कुछ स्किप कर सकती हूँ। अगर आपको इससे भी बेटर कोई ऑप्शन मिलता है और आपको उस ऑप्शन से इससे बेटर रिजल्ट मिलता है तो प्लीज डू शेयर विथ मी एंड आस, मतलब जितने भी दोस्त हैं सब देख पाएंगे, कमेंट सेक्शन में रहेगा। तो प्लीज डू शेयर विथ आस एंड थैंक्स फॉर टुडे, आई विल सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन इजी बीजी।